दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट पीजीटी इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एमए इकोनॉमिक्स बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वेबसाइट महाविद्याइकोनॉमिक्सस्कूल.com के माध्यम से इन तमाम कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। अब आपको हमारे कोर्स में 10,000 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही रहेंगे और इनकी पीडीएफ नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको एक नया वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको समष्टि अर्थशास्त्र के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई हुई है, ये हमारी दूसरी वीडियो है और इस वाली वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आय और रोजगार का निर्धारण। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स भी हों तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप पहले समष्टि अर्थशास्त्र अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, उसके बाद ही ये सारी की सारी वीडियो करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। 26 में हमसे बोला गया है कि क्लासिकल व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमें विचार करना है। तो अगर आपने क्लासिकल मॉडल पढ़ा होगा तो उसमें से आपको ये सारा का सारा टॉपिक हमने कवर कराए हुए हैं। इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं और हम समझ लेंगे कि ये विशेषता उसके अंदर है कि नहीं है। सबसे पहला है कि उत्पादन तथा रोजगार को मौद्रिक कारक निर्धारित करते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। आपने पढ़ा होगा क्लासिकल ड्यूटोनॉमी जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अगर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है तो मौद्रिक जीडीपी तो बढ़ सकती है, मौद्रिक मजदूरी तो बढ़ सकती है, लेकिन वास्तविक जीडीपी वास्तविक मजदूरी इन सब में किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको समझाया हुआ है। उसके अलावा अर्थव्यवस्था का स्वयं समायोजन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, अर्थव्यवस्था में किसी भी तरीके के सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सरकार अगर किसी भी तरीके से मार्केट में हस्तक्षेप ना करे तो बाजार शक्तियाँ पूरी तरीके से जो इकोनॉमी है उसको व्यवस्थित कर देंगी, ऐसा मानना था क्लासिकल मॉडल का, ये बिल्कुल ठीक है। प्रत्यक्ष विकास के लिए राजकीय कार्यवाही की आवश्यकता, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जिसमें सरकार का किसी भी तरीके से कंट्रोल ना हो। इसके अलावा राजकीय नियंत्रण को अनुपस्थिति में बाजार के माध्यम से स्थितिकरण, ये भी इसकी विशेषता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी और डी है ये जो हैं ये क्लासिकल व्यवस्था की विशेषता है। इस हिसाब से देखा जाएगा तो आंसर नंबर जो सी है वो बिल्कुल सटीक आपसे बैठता है। अगला क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, यहाँ पे आपको कुछ अभिकथन दिए हुए हैं यानी कि कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला कह रहा है कि उपभोग के जीवन चक्र सिद्धांत, ये वाला टॉपिक आपको मिलेगा उपभोग फलन वाले चैप्टर में, कि उपभोग के जीवन चक्र सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के उपभोग का स्तर उसकी मौजूदा आय पर नहीं बल्कि दीर्घकालीन अपेक्षित आय पर भी निर्भर करता है। ये जीवन चक्र परिकल्पना है, उपभोग की जीवन चक्र परिकल्पना यही तो आपको समझाती है कि एक व्यक्ति का उपभोग केवल वर्तमान आय पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी भविष्य में एक्सपेक्टेड आय कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में उसकी इनकम कम हो जाएगी इसलिए वो वर्तमान में ज़्यादा बचत करेगा और भविष्य में ज़्यादा खर्चा करेगा आय के मुकाबले। इसके अलावा व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने जीवन काल में प्रत्याशित आय के आधार पर अपने खर्च के नमूनों का पैटर्न की योजना बनाए। बिल्कुल सही बात है, यानी कि यही इसका तर्क है, यही इसका कारण है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल के खर्चों का ब्यौरा बनाएगा, पैटर्न बनाएगा और उस आधार पर अपने खर्चों को व्यवस्थित करेगा। तो दोस्तों ये इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही बैठता है, यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। इसका मतलब 27 का जो आपको अगर आंसर चूज करना है तो 27 का आप आंसर चूज करोगे डी वाला, ये वाला। अगला है 28 तो बहुत ही सिंपल है, उत्पादन और रोजगार निर्धारण का क्लासिकल विश्लेषण क्या कहलाता है, स्थितिक विश्लेषण, तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण, गत्यात्मक विश्लेषण, उपयुक्त सभी। देखो गत्यात्मक विश्लेषण वो होता है जिसमें आप टाइम एलिमेंट को लेते हो, तो इसमें टाइम एलिमेंट तो लिया नहीं है इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्थितिक विश्लेषण, यानी कि ये जो विश्लेषण है क्लासिकल वो स्थितिक विश्लेषण है और जो केंज का विश्लेषण है वो तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण है, ये केंज का है। लेकिन यहां पर क्योंकि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के बारे में बात की जा रही है इसलिए इसका जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो है स्थितिक विश्लेषण। तो आप याद रखिएगा कि इसका आंसर आपको लिखना है स्थितिक विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। दोस्तों 29 कह रहा है कि कथन ए, वैसी अर्थव्यवस्था जहां पूर्ण रोजगार के स्तर से कम स्थिति है वहां यह आवश्यक नहीं है कि क्राउडिंग आउट हो। देखिए
ये आप इसे समझ लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में हमारे को समझना है कि ये बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पूर्ण रोजगार का स्तर से कम स्थिति है वहाँ आवश्यक नहीं क्राउडिंग आउट हो। क्राउडिंग आउट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब सरकार अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है तो सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ता है, इससे अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का लेवल बढ़ने से जीडीपी का स्तर बढ़ता है, जीडीपी बढ़ने से मुद्रा की मांग बढ़ती है, मुद्रा की मांग बढ़ने से ब्याज दर बढ़ती है, ब्याज दर बढ़ने से निजी निवेश कम होता है, और निजी निवेश कम होने की वजह से जो प्रभाव सरकार द्वारा व्यय करने का होना चाहिए था उतना प्रभाव अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ पाता। ये बेसिकली क्राउडिंग आउट का मतलब है। तो यहां पर यही बात की गई है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां पूर्ण रोजगार के स्तर से कम की स्थिति हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में जो हमारा एलएम कर्व है उसमें ऑलरेडी ब्याज दर बहुत कम हो, इससे ज्यादा कम हो नहीं सकती है, तो इस स्थिति में संपूर्ण क्राउडिंग आउट नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं ये क्या मतलब है कहने का। मान लीजिए अगर हम आईएसएलएम के थ्रू समझें तो अगर एलएम कर्व इस तरीके का है, एलएम कर्व इस तरीके का है, तो इस स्थिति में अगर हम आईएस को बढ़ाते हैं तो किसी भी तरीके का क्राउडिंग आउट नहीं होगा, जितनी आईएस बढ़ेगा उतनी जीडीपी बढ़ जाएगी। दोस्तों ये सब हम कंसेप्ट हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको करवाए हुए हैं, यानी कि इस स्थिति में किसी भी तरीके का क्राउडिंग आउट नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अगला कह रहा है कि मौद्रिक प्राधिकारी एक ऐसी मौद्रिक नीति का समावेश कर सकते हैं जो उत्पादन विस्तार के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि से परहेज करे, बिल्कुल ठीक बात है, यह भी सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। मौद्रिक अधिकारी ऐसी भी नीति अपना सकते हैं जिसमें उत्पादन तो बढ़े लेकिन ब्याज दर ना बढ़े, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यह इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही स्पष्टीकरण ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी वजह यह है कि आपको एलएम कर्व इस केस में वर्टिकल होगा, यह इसका सही स्पष्टीकरण है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ये वाला जो पॉइंट है बी, ये बिल्कुल इसका सटीक आंसर बैठता है 29 का बी। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से इन पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, तो अच्छा ये रहेगा कि आप पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उसके बाद अपने आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, और जो कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो उसको वीडियो के माध्यम से आप देख लें। देखिए टाइम आपको बचाना है तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है जो मैंने आपको बताया है कि आप अपने आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि मैंने इसका आंसर आपको क्या बताया हुआ है। से के नियम के अनुसार बेरोजगारी किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? देखिए से का बाजार नियम कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित कर लेती है, और क्लासिकल अर्थशास्त्री जिसमें पिगू भी शामिल है सबका यह मानना था कि अगर आप पूर्ति करते हो तो आपको अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है, लेकिन अगर कभी पूर्ण रोजगार की स्थिति ना भी रहे तो आराम से मजदूरी में चेंज करके हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। हालांकि से ने बेरोजगारी के बारे में कोई स्पष्ट विचार नहीं दिए, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि पिगू और से क्योंकि समकालीन है, दोनों के दोनों क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मूल रूप से इस बात पर विचार करता है कि अगर आप बेरोजगारी को कम करना चाहते हो तो आपको अर्थव्यवस्था में सिंपल तरीका क्या रहेगा, सिंपल तरीका ये रहेगा कि आप अर्थव्यवस्था में क्या करो, मजदूरी की दर में गिरावट कर दो। यानी कि मजदूरी की दर में कैसे गिरावट कर सकते हो, क्योंकि देखिए हम कितने लोगों को काम पे लगाएंगे, वेज रेट, हमारे पास एक वेज फंड है, उसमें से ये मान लीजिए वेज फंड है हमारे पास में, उसमें से हमने नंबर ऑफ लेबर लगा दिए तो ये हमारा वेज रेट हो गया। अगर आप वेज फंड को नहीं बढ़ाना चाहते और आप एन को बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मजदूरी दर है मजदूरी दर में कमी करनी पड़ेगी। तो अगर आप मजदूरी दर में कमी करते हो, क्योंकि इस स्थिति में मजदूरी दर में कमी होने से कीमतों में भी अनुपातिक रूप से कमी होगी, जिससे वास्तविक मजदूरी में किसी भी तरीके से कमी देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा मानना था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। तो दोस्तों इसके ऊपर भी हमने जो पीगू का सिद्धांत है वो भी समझाया हुआ है, इससे का बाजार नियम भी समझाया हुआ है। डिटेल में अगर आपको समझना है तो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से आप सारी की सारी वीडियो को एक्सेस कर भी सकते हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 29 कह रहा है कि वैसी व्यवस्था जहां पूर्ण रोजगार स्तर से कम स्थिति है वहां यह आवश्यक नहीं है कि क्राउडिंग आउट हो। अच्छा ये तो हमने कर लिया, 29 कर लिया, 30 कर लिया, 31 पे आ जाते हैं। संतुलित बजट गुणक का संख्यात्मक माप क्या होगा? संतुलित बजट गुणक क्या होता है दोस्तों, हम ऑलरेडी आपको जानते हैं कि ऐसी स्थिति जहां पे डेल्टा जी और डेल्टा टी का योग 0 के बराबर हो, यानी कि जितना सरकार कर के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर रही है उतना ही पैसा अगर सरकार बजट के माध्यम से इकट्ठा कर ले
तो उस इसको बोलते हैं संतुलित बजट, यानी कि डेल्टा जी और डेल्टा टी दोनों बराबर बराबर है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं, वन अपॉन वन माइनस सी, और इसका फॉर्मूला लिखते हैं माइनस सी अपॉन वन माइनस सी। तो दोनों को जोड़ोगे तो लिखेंगे वन माइनस सी अपॉन वन माइनस सी, यानी कि किसके बराबर हुआ, एक के बराबर। तो आप याद रखिएगा कि संतुलित बजट गुणक का जो मान है वो हमेशा एक के बराबर होता है। बजट मल्टीप्लायर, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा एक के बराबर होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार समान मात्रा में कर लगाए, सरकार अगर समान मात्रा में सार्वजनिक व्यय करे, तभी भी जीडीपी जो है वो सार्वजनिक व्यय के अमाउंट में बढ़ जाएगी। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो है वो 400 करोड़ है, सरकार क्या करती है 400 करोड़ रुपए का टैक्स लगा देती है, सॉरी 100 करोड़ का टैक्स लगा देती है, और 100 करोड़ रुपए ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर देती है, तभी भी अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी का स्तर है वो 500 हो जाएगा। यही कहलाता है हमारा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। तो इसका जो आपको आंसर लिखना है वो आंसर है हमारा ए। इसके अलावा रोजगार के शास्त्रीय मॉडल में उत्पादन तथा रोजगार को प्रभावित नहीं करने वाले कुछ कारक है। देखिए क्लासिकल मॉडल में उत्पादन को आप मुद्रा आपूर्ति द्वारा नहीं बढ़ा सकते, मुद्रा की आपूर्ति रोजगार को नहीं बढ़ा सकती है, ठीक है जी। इस स्थिति में सार्वजनिक व्यय भी बेकार है, सार्वजनिक व्यय यानी कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों ही अनुपयोगी हैं। तो मुद्रा की नीति और ये वाली नीति, ये तो दोनों बिल्कुल गलत है। आप एक ही तरीके से बढ़ा सकते हो, या आप कह सकते हो आप बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उत्पादन फलन में वृद्धि करनी पड़ेगी इस तरीके से, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इस तरीके से होती है। अगर आप किसी भी तरीके से अपने उत्पादन फलन को बढ़ा दो तो आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो राइटवर्ड चला जाएगा, इससे आपकी जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है जी। तो उसका मतलब ये हुआ कि उनका ये मानना था कि उत्पादन फलन को बढ़ाकर आप इसको बढ़ा सकते हो, तो ये आपका सही है। इसके अलावा निवेश वस्तुओं में मांग स्तर को बढ़ाकर भी आप नहीं बढ़ा सकते, आपके पास में मांग से कुछ नहीं होगा क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी, इसीलिए आपको आपूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए तो सेका का बाजार नियम कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्सर्जित कर लेती है। इसका मतलब रोजगार के शास्त्रीय मॉडल में उत्पादन तथा रोजगार को प्रभावित नहीं करने वाले, यहां पे नहीं करने वाले कारक पूछे गए हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट भी है, सेकंड और फोर्थ। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर बैठता है दोस्तों वो बैठता है 32 का वो ए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ऐसे आसान आसान क्वेश्चन अब बहुत आसानी से कर पाओगे अगर आप हमारे वीडियो कोर्स को अच्छी तरीके से देखते हो। देखो दोस्तों, आपको सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि पहले आप अपने कंसेप्ट को मजबूत करें, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करें। मैं भी यही कर रहा हूँ भाई, कोई ऐसा क्वेश्चन जो हो सकता है कि मैंने नहीं कवर किया, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, अलग से बनाऊंगा, सेम आप कीजिए। आपको लगता है कि आपके नोट्स में ये सारे पॉइंट कवर हैं तो आपको जरूरत नहीं है, वरना की नोट्स मतलब आप अपने नोट्स में इनको ऐड कर करके भी बनाइए, जैसे स्लिप लगा के लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्लासिकल के नोट्स बनाए हुए हैं, तो जो चीज़ें मेरे को लगता है मेरे पढ़ने से छूट गई हैं उनको मैं ऐड करता हूँ, ये भी तरीका मेरा रहा है। तभी मौका मिलेगा तो मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे जिससे मैं पढ़ाई करता था। हालांकि उन नोट्स से कोई और नहीं पढ़ सकता क्योंकि बहुत ही की नोट्स होते थे मेरे, जो नोट्स होते थे कींज के अनुसार रोजगार का स्तर निर्भर किस पे करता है। देखिए कींज का मानना है कि रोजगार का स्तर किस पे निर्भर करता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कींज का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है। प्रभावपूर्ण मांग ऐसा स्तर है जहां पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति बराबर बराबर है। तो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति देख लीजिए, प्रभावी मांग, ये है 33 का डी पॉइंट आ जाएगा। 34 पे देख लेते हैं, कींज के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु कौन है, प्रभावी मांग है। दोनों में एक ही आंसर है इसलिए मैं आपको ये डिटेल में नहीं करा रहा हूं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि प्रभावपूर्ण मांग का स्तर वो होता है जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर बराबर है। तो 33वें का डी और 34वें का सी सही आंसर है। आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि रोजगार का स्तर कहां निर्धारित होता है, ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है जी। तो इस तरीके का, और ये स्तर जो है ये कहलाता है प्रभावपूर्ण मांग, प्रभावपूर्ण मांग, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। 35 पे आ जाते हैं, 35 क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए। 35 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेल कीजिए। चलिए हम मेल कर देते हैं, एक बार हमें मेल करना है तो मेल हम कर देते हैं।
सबसे पहला जेबीसी, जेबीसी का बाजार नियम है, बहुत पॉपुलर नियम है, आपने पढ़ा ही होगा, यानी कि फर्स्ट का फोर, तो फर्स्ट का फोर जो नहीं है वो तो ये कट गया। इसके अलावा अगला है, अच्छा फर्स्ट का फोर, कहान, कहान का रोजगार गुणांक, बेसिकली कहान ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गुणक अवधारणा का प्रयोग किया और उन्होंने समझाया कि अगर अगर हम निवेश करते हैं तो रोजगार में वृद्धि कई गुना ज्यादा होगी, बेसिकली प्रारंभिक रोजगार में वृद्धि से जो अंततः रोजगार वृद्धि है वो कई गुना ज्यादा होगी, कहान के बारे में ये कहा जाता है। इसके अलावा कींज की बात करें तो कींज ने हमें बनाया निवेश गुणक और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का है पूर्ण रोजगार संतुलन, यानी कि इस पूरे के पूरे में देखिए ये तो मैच कर रहा है, ए से फोर तो मैच कर रहा है और बी से थ्री मैच कर रहा है, लेकिन कींज से वन मैच करना चाहिए, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो पूरी तरीके से गलत है, इनमें से किसी को भी आप सही नहीं कह सकते हो, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें से कोई भी सही नहीं है, और जब कोई सही नहीं है तो जो भी क्वेश्चन करेगा उसका सबके मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है, तो देखिए जे एस मिल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है, इसके अलावा एडम स्मिथ और जेबीसी ये तीनों के तीनों प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, केवल जे एम केंज प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है, हालांकि जब उनके शुरुआती विचार रहे महामंदी से पहले तो उन्होंने भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की तरह मुक्त बाजार की बात की, लेकिन 1936 में उनकी जो किताब है वो पूरी तरीके से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विरोध में है, जिसमें ये कहा गया है कि मंदी को दूर करने में सरकार अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकती है, इसलिए इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो जे एम केंज है। जे एम केंज जो है वो एक नई विचारधारा के जन्मदाता है जिसको हम केंजियन विचारधारा कहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्थव्यवस्था में जितने भी उतार चढ़ाव हैं उनको केंजी के द्वारा सरकारी एक तरीके सरकार के द्वारा उसको खत्म किया जा सकता है, तो ये नई तरीके की विचारधारा डेवलप हुई। 37 पे आ जाते हैं, क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या है, देखिए क्राउडिंग आउट को मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ, क्राउडिंग आउट क्या है डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी है IS 0 और ये हमारा LM 0 है, ये हमारा है GDP का लेवल Y0, ये हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट R0। अगर मान लीजिए सरकारी व्यय में वृद्धि होती है तो डेफिनेटली जो हमारा IS कर्व है वो राइटवर्ड चला जाएगा। इस केस में जो GDP बढ़ेगी वो इतनी बढ़ेगी और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना बढ़ेगा, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ता, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ता तो वास्तव में GDP में वृद्धि इतनी होती, तो ये हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। डिटेल वीडियो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। अब क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या है, सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी, इसी वजह से क्राउडिंग आउट होता है, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने जी को बढ़ाया, जब सरकार जी को बढ़ा रही है तो डेफिनेटली जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से IS का राइटवर्ड चला जाएगा, राइटवर्ड चले जाने से GDP बढ़ेगी, GDP बढ़ने से डिमांड फॉर मनी बढ़ती है, डिमांड फॉर मनी बढ़ने से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है, और इन्वेस्टमेंट में जो कमी है वो एग्रीगेट डिमांड को कम लाएगी, और इससे क्या होगा कि जो अल्टीमेटली जो GDP का लेवल है उसमें कमी देखने को मिलेगी, यानी कि GDP में जितनी वृद्धि हो सकती थी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता उतनी वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। अगर मान ली तो इसी को क्राउडिंग आउट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 37 का डी पॉइंट बिल्कुल सही है। आप डिटेल के लिए हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी की पूरी वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, हमने ये ऑलरेडी बनाई हुई है। क्लासिकल कथनों में कौन सा कथन अल्प विकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय के लिए सही है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन अल्प विकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय के लिए सही है। देखिए आप याद रखिएगा, जो गरीब आदमी होगा उसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होगी और जो अमीर आदमी होगा उसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, उसकी पास उसकी महीने की इनकम 1,00,000 रुपये है
और जो बी व्यक्ति है वो महीने की इनकम उसकी 20,000 रुपए है। अब 20,000 में तो खर्चा चलना नहीं है घर का, तो ये क्या करता है, लगभग अपने 90% खर्च कर देता है, 18,000 खर्च कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई निकालेंगे, यानी कि 20,000 में जो आय बढ़ी है उसका 18,000 इसने खर्च कर दिया, तो ये 0.9 आएगा। जबकि अगर एक ही इनकम 1,00,000 रुपए बढ़ती है तो वो केवल 30,000 खर्चा करता है एक्स्ट्रा, तो इस केस में जो एमपीसी है वो 0.3 आएगी। तो जो गरीब इलाका है या जो गरीब एरिया है वहां पर इसीलिए तो बचत प्रवृत्ति कम होती है, वहां पर पूंजी निर्माण इसीलिए तो कम होता है क्योंकि इंसान अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है, बढ़ी हुई आय का अधिक हिस्सा खर्च कर देता है बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए। तो कौन सा कथन सही है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम होती है, कहां पर, अल्पविकसित देशों में, बिल्कुल नहीं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है, बिल्कुल ठीक बात है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति शून्य होती है तो पॉसिबल ही नहीं है, उपभोग में उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये आंसर जो है 38 का वो बी बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। 39 पे आ जाते हैं दोस्तों, स्फीति का अंतराल मापता है, स्फीति का अंतराल मापता है। मैं आपको देखिए स्फीति का अंतराल का डायग्राम बना देता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा स्फीति का अंतराल क्या होता है। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, और यहां पे हमारे को संतुलन प्राप्त हो रहा है। लेकिन पूर्ण रोजगार का संतुलन स्तर इसी बिंदु पर हो यह आवश्यक नहीं है। मान लो ये जीडीपी का स्तर है और पूर्ण रोजगार का स्तर ये वाला है YF, इसको बोलेंगे स्फीति का अंतराल, इस गैप को स्फीति का अंतराल। पूर्ण रोजगार स्फीति का अंतराल मापता है समग्र मांग का समग्र पूर्ति से अधिक होना, समग्र मांग का समग्र पूर्ति से अधिक होना। समग्र मांग यहां पर है ए वाई एफ और समग्र पूर्ति है बी वाई एफ। किस स्तर पर, हमेशा पूर्ण रोजगार के स्तर, यानी कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर जब सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से अधिक होती है तो इसको बोलते हैं हम दोस्तों स्फीतिक अंतराल। इसका मतलब इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो ये वाला है 39 का बी। 40 पे आ जाते हैं दोस्तों, कींज के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का क्या अर्थ है। देखिए सिंपल सी बात है, पूर्ण रोजगार का क्या मतलब है, पूर्ण रोजगार का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में किसी भी तरीके से अनैच्छिक बेरोजगारी ना हो। ऐच्छिक बेरोजगारी हो सकती है जिसको कि हम मिलाकर बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी हो सकती है। इसके अलावा बेरोजगारी की प्राकृतिक दर यानी कि मौसमी बेरोजगारी और संघर्षात्मक बेरोजगारी हो सकती है, संरचनात्मक बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो रोजगार का पूर्ण रोजगार का अर्थ है श्रम का पूर्ण रोजगार, पूंजी का पूर्ण उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग और सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग। तो इसका मतलब है सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है तो उसको पूर्ण रोजगार बोला जाएगा दोस्तों। यानी कि इसका जो 40 है, 40 का आपको आंसर लिखना है डी। 41 पे आ जाते हैं, 41 कह रहा है कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत आपसे कुछ कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि इसके अंदर से का बाजार नियम लागू होता है, बिल्कुल होता है भाई। पूर्ण रोजगार, यहां मैं आपको बता देता हूं कि से का बाजार नियम तो लागू होता ही है। इसके अलावा पूर्ण रोजगार का अस्तित्व, यह भी ठीक बात है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता, यह भी ठीक बात है। इसके अलावा मुद्रा की तटस्थता, यह भी ठीक बात है। मुद्रा की तटस्थता का मतलब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने से अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वास्तविक चरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चारों ही सही है, तो इसका मतलब आपको आंसर लिखना है 1, 2, 3, 4, यानी कि ए पॉइंट इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। ये यूपीपीसीएस एग्जाम में आया था। एक कुछ बुक है मैन एंड इकोनॉमिक्स, इसके निर्माता का नाम है रॉबर्ट मुंडेल। मुंडेल ने ये किताब लिखी है मैन एंड इकोनॉमिक्स, तो इसको आप याद रखिएगा कि मुंडेल की ये किताब है जो कि आपसे पूछी गई थी किताब का नाम। इसके अलावा 43 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कुल निवेश व्यय निश्चित हो तब केंद्रीय दिशाओं में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का क्या परिणाम होगा। देखिए आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बचत का विरोधाभास, विरोधाभास ये आपने पढ़ा ही होगा और पढ़ना भी चाहिए। बचत का विरोधाभास हमें बताता है कि एक हमारा है, मान लीजिए ये बचत का स्तर है, ये निवेश का स्तर है। दोबारा बना लेते हैं,
ये मान लीजिए आपका बचत का स्तर है, ये निवेश का स्तर है, यहां पे आपका जीडीपी हो गया। अब हम कह रहा है किन जिन दिशाएं, यानी किन जिन का थॉरेट है, निवेश में निश्चित है, यानी कि निवेश में परिवर्तन नहीं होता और बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी कि हम पहले से ज्यादा बचत कर रहे हैं, तो इस स्थिति में जो जीडीपी का लेवल है वो घट जाएगा। इसी को दोस्तों बचत का विरोधाभास कहते हैं। और बचत का विरोधाभास बेसिकली यही बताता है कि एक व्यक्ति के लिए बचत अच्छा हो सकता है लेकिन संपूर्ण समाज के लिए बचत अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति बचत करता है तो वो खर्चा नहीं करेगा तो और लोगों की आय नहीं होगी, जब और लोगों की आय नहीं होगी तो वो भी खर्चा नहीं करेंगे। अर्थव्यवस्था खर्चे पर चलती है, बचत पर नहीं चलती है। बचत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर सभी लोग बचत करना शुरू कर देंगे तो खरीदेगा कौन सामान, यानी कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में कमी देखने को मिलती है। इसी को बोलते हैं दोस्तों बचत का विरोधाभास। तो 43 का आपको सी पॉइंट आपको लिखना है। 44 पे आ जाते हैं दोस्तों। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि किंच प्रभाव का संबंध किससे है। अल्प रोजगार की व्याख्या से, जड़ मजदूरी दर से, तरलता जाल से और कीमत स्तर में वृद्धि तथा मुद्रा पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव से। देखिए किंच प्रभाव, हालांकि ये वीडियो मैंने आपको नहीं कराई हुई है, ये वीडियो हम अलग से कराने वाले हैं और आपको इस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि किंज प्रभाव क्या कहता है। किंज प्रभाव कहता है कि अगर कीमत स्तर बढ़ जाए, कीमत स्तर बढ़ने से जो वास्तविक मुद्रा की पूर्ति है उसमें कमी आएगी, और वास्तविक मुद्रा की पूर्ति में कमी आने से क्या होगा, जो ब्याज की दर है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। क्योंकि ब्याज की दर में वृद्धि हुई है इसलिए निवेश जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि निवेश कम हो गया है इसलिए जीडीपी का स्तर कम हो जाएगा। जीडीपी के स्तर कम होने से जो मुद्रा की मांग है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और मुद्रा की मांग में कमी होने की वजह से जो ब्याज की दर है उसमें वृद्धि होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि तरलता जाल को नहीं दिखाता, इसको भी नहीं दिखाता, इसको भी नहीं दिखाता, कीमत स्तर में वृद्धि का मुद्रा पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को यह बताता है। डिटेल वीडियो हम जल्दी ही बनाने वाले हैं और इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऐड कर देंगे। 45 पे आ जाते हैं। अच्छा, जो दोस्त हमारे कोर्स के थ्रू देख रहे हैं तो इसको जो वीडियो है वो आपको कोर्स के अंदर भी हम ऐड कर देंगे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मांग की पूरकता का विचार का प्रारंभ माना जाता है। मांग की पूरकता का जो विचार है वो माना जाता है से के बाजार नियम के द्वारा। से का बाजार नियम कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित कर लेती है, यानी कि जो भी पूर्ति क्रिएट होगी उससे मांग क्रिएट हो जाएगी। हालांकि बाद में इसका जो पूरा यूज है वो संतुलित विकास मॉडल में भी किया गया। 46 पे आ जाते हैं दोस्तों। 46 कह रहा है कि कीन्जियन रोजगार तथा आय सिद्धांत किस प्रकार बेरोजगारी का विश्लेषण करते हैं। देखिए कींज का रोजगार सिद्धांत ऐच्छिक प्रचन्न और संरचनात्मक बेरोजगारी का अध्ययन नहीं करते, वो केवल अनिच्छिक बेरोजगारी को समस्या मानते हैं, तो इसका ही वो अध्ययन करते हैं। 47 पे आ जाते हैं दोस्तों। 47 है कि किंज का रोजगार व आय सिद्धांत किससे जुड़ा है, फिर से वही बात, अनिच्छिक बेरोजगारी से। 47 का 3 आंसर बिल्कुल सही है। 48 पे आ जाते हैं दोस्तों। 48 कह रहा है कि किंजियन रोजगार सिद्धांत में समग्र मांग वक्र व्यक्त क्या करता है। समग्र मांग वक्र, देखिए एक मिनट, हाँ देखिए ये समग्र मांग वक्र है, एग्रीगेट डिमांड है, ये क्या व्यक्त कर रहा है, श्रम की प्रत्याशित मांग नहीं जी, पूंजी की मांग को नहीं जी, क्योंकि ये तो पूर्ति व्यक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे सटीक बैठ रहा है वो ये बैठ रहा है, प्रत्याशित बिक्री आगम, यानी कि ये जो वक्र है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रत्याशित बिक्री आगम को।
ठीक है जी, तो ये आपको आंसर लिखना है इसका सी। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि किंज के रोजगार सिद्धांत में निवेश फलन व्याख्या किसकी करता है। देखिए किंज के रोजगार सिद्धांत में निवेश को उन्होंने स्वायत्त निवेश माना और किंज का रोजगार सिद्धांत स्वायत्त निवेश की व्याख्या करता है, इसका मतलब 49 का ए पॉइंट आप लिखेंगे और यही बिल्कुल सही माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक मजदूरी दर में गिरावट का प्रभाव क्या होगा। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके दोस्तों कि क्लासिकल मॉडल मानता था कि अगर आपको रोजगार बढ़ाना है तो मजदूरी दर को कम करना पड़ेगा, यानी कि मजदूरी दर में कमी रोजगार में वृद्धि की गारंटी देती है, ये मानना था क्लासिकल मॉडल का। क्योंकि क्लासिकल मॉडल मानता था कि भैया हर व्यक्ति जिसकी मजदूरी कम की जाए उसे मजदूरी कम करने में कोई बुरा असर नहीं लगेगा क्योंकि अल्टीमेटली उसकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप ये ऐसी वीडियो रोज 8 बजे शाम को YouTube चैनल के माध्यम से भी देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत फायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।